अस्सलाम वालेकुम रहमान रहीम वेलकम टू माय चैनल पढ़ हो लर्न टुगेदर उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे आज हम लोग बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन का एजुकेशन हैदराबाद सिंध बोर्ड का हम लोग देखेंगे और देखेंगे इसके डेट शीट के बारे में नाइन और मैट्रिक के तो क्योंकि आपके जो इम्ताना हैं वो एट मे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री से स्टार्ट हो रहे हैं और ये मॉडिफाइड डेट शीट है इससे पहले जो डेट शीट आई थी उसमें कुछ इशू थे जिसकी वजह कर क्या था आपके पेपर्स में कुछ इशू आए थे एक दिन में दो पेपर्स आ रहे थे लेकिन खैर आप ये कैसे मॉडिफाइड फाई कर दिया गया है इसे चेंज करके आपको दे दिया गया है अब ये डेट शीट आपके इस साल के पेपर में इंप्लीमेंट होगी हो सकता है कि बाद में फिर से चेंज कर दिया जाए क्योंकि पेपर्स में गैप नहीं है लेकिन जो भी होगा आप तक आपके पास जब डेट शीट पहुंच जाएगी आपके एडमिट कार्ड में तो देन क्या हो जाएगा आपको पता चल जाएगा फिलहाल अभी जो डेट शीट आई है वो यही है जो आठ मई से आपके इम्तहान स्टार्ट हो रहे हैं तो पहला पेपर आपका क्लास मैट्रिक से स्टार्ट हो रहा है तो सब ब्लर है लेकिन मैं आपको बताते जाऊंगा आप एक जगह लिखते भी जा सकते हो ठीक है लिख भी सकते हो ठीक है तो से पहले मैट्रिक काज तो इम्ताहन, मतलब मंडे वाले रोज बायोलॉजी का पहला पेपर है आठ मई को पहला पेपर बायोलॉजी का है ठीक है और कंप्यूटर साइंस का भी है जो बायो के बच्चे हैं वो बायो का पेपर देंगे जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं वो कंप्यूटर साइंस का देंगे और ये मैट्रिक क्लास के बच्चे हो गए ठीक है सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक क्लास के फिर आठ मई के बाद आपके पास नौ तारीख को नौ मई दो हजार तेईस मतलब ट्यूसडे वाले रोज मंडे के बाद ट्यूसडे वाले रोज एक दिन का भी गैप नहीं दिया गया है इसमें नेक्स्ट ही डे आपका पेपर रख दिया गया है वो कौन सा है फिजिक्स है ठीक है फिजिक्स का पेपर होगा और जनरल साइंस का पेपर होगा जो बच्चे फिजिक्स के होंगे वो फिजिक्स करेंगे और जो जनरल साइंस के होंगे वो जनरल साइंस का पेपर देंगे फिर उसके बाद वेडनस डे ठीक है मतलब नौ के बाद दसवें दस तारीख को ठीक है दस तारीख को क्या किया जा रहा है केमेस्ट्री का पेपर आ गया है ठीक है साइंस ग्रुप के बच्चों का केमेस्ट्री का पेपर आ गया मतलब आठ तारीख को बायोलॉजी और कंप्यूटर नौ तारीख को फिजिक्स और दस तारीख को क्या किया गया है केमेस्ट्री का पेपर दिया गया है विदाउट गैप मीरपुर खास बोर्ड में भी कोई भी बच्चों का गैप नहीं दिया गया था और हैदराबाद बोर्ड में भी जो आपकी डेट शीट आई है इसमें भी गैप नहीं दिया गया है ठीक है केमेस्ट्री का पेपर दस तारीख को है दस तारीख के 11 तारीख को आपका उर्दू सीरीज का पेपर है और सिंधी सीरीज का पेपर है ठीक है जो बच्चे उर्दू के होंगे वो उर्दू सीरीज का देंगे और जो बच्चे सिंधी के होंगे वो सिंधी का देंगे ठीक है तो सिंधी का पेपर देना ठीक बार है उसके बाद ग्यारह तारीख के बाद फिर बारह तारीख को इसमें भी एक भी दिन छुट्टी नहीं दी गई और ग्यारह मई दो को आपका इंग्लिश का पेपर है तो पहला पेपर क्या था आठ तारीख को बायोलॉजी और कंप्यूटर नौ तारीख को फिजिक्स दस तारीख को केमेस्ट्री ग्यारह तारीख को उर्दू सिलीस और सिंधी और फ्राइडे को मतलब बारह तारीख को इंग्लिश का पेपर है इंग्लिश के पेपर के बाद फिर से एक और दिन का गैप नहीं दिया गया है तेरह तारीख से आपको अभी बारह के बाद तेरह तारीख को आपके पास इलेक्टिव मैथमेटिक्स का पेपर है किसका इलेक्टिव मैथमेटिक्स और सिविक्स वाले बच्चे सिविक्स का पेपर देंगे उसके बाद संडे वाले रोज़ ऑफ होगा ठीक है हॉलीडे है जबकि इंग्लिश के पेपर के बाद आपके पास संडे का गैप आएगा और संडे के पेपर के बाद आपके पास बाईस तारीख को इलेक्टिव मैथमेटिक्स का पेपर होगा और फिर तेईस तारीख को आपके इस्लामीत का पेपर होंगे ठीक है तो ये तमाम तरीकेकार हैं आपके इम्तहान हो रहे हैं पहले क्या था बीस तारीख को पेपर ख़त्म हो रहा था अब तेईस तारीख को ख़त्म हो रहा है ठीक है और आपके पास पच्चीस मई से पेपर आपके प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है जो कि दस दिन के अंदर अंदर कम्प्लीट करने होंगे ठीक है तो तमाम पेपर्स था और जो आपके पास सेकेंड शिफ्ट वाला पेपर होगा उसमें भी देख लीजिए जो कि हमारे पास आर्ट्स ग्रुप के बच्चे होंगे तो पहला पेपर आठ तारीख को इस्लामिक हिस्ट्री का होगा फिर ट्यूजे को आपके पास का पेपर होगा फिर थर्सडे को आपके पास जियोग्राफी एंड न्यूट्रिशन इस्लामिक स्टडीज का पेपर होगा और उसके बाद आपके पास यहाँ पे एंड हो गया और फिर उसके बाद क्लास का इस्लामिक हिस्ट्री इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी का पेपर होगा ठीक है सेम वही रखा हुआ है इन्होंने तो मैं तमाम चीजें आपको बता दिया है ठीक है कौन से दिन कौन सा पेपर होगा आप देख लेना बाकी रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ देना होगा तो हैदराबाद बोर्ड का एग्जामिनेशन ये थे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना बेल के क्लिक कर देना फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में अल्लाह